गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट लोक प्रशासन के सेकंड पेपर की पिछली क्लास में अपन ने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया था। राष्ट्रपति के अंदर अपन ने राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है और राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद के अंदर तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है शपथ। तो शपथ हमारे यहाँ पर हर मंत्री को अपने पद की शपथ लेनी होती है। उस शपथ के अंदर अब हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको भी शपथ दिलवाई जाती है। शपथ भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। संविधान के अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रारूप दिया गया है। मतलब हमारा एक संविधान का अनुच्छेद 60, इसके अंदर राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाई जाती है उसका प्रारूप दिया हुआ है। उस प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति को हमारे भारत देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। तो इस प्रकार से यह तीसरे नंबर पर अपने शपथ आती है। इसके बाद में चौथा नंबर अपन देखें तो चौथे नंबर पर आता है कार्यकाल। कार्यकाल के अंदर वैसे अपने देखा जाए तो मैक्सिमम ज्यादातर सभी का कार्यकाल अपने यहाँ पर 5 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। हमारे भारत देश के अंदर राष्ट्रपति जब चुना जाता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति पद धारण कर सकता है। हमारे भारत देश में ये कोई बाध्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बने, वो कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसका चुनाव कराना आवश्यक है। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाता है तो उसकी पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कराना आवश्यक होता है। समाप्ति से पूर्व भी कराना आवश्यक होता है, किंतु नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक कार्य राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति का चुनाव चाहे से पहले करा लिया जाए लेकिन चुनाव कराने के बाद जो पूर्व राष्ट्रपति है वही अपने पद पर बना रहता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण होने पर उनका पद समाप्त होता है। उसके बाद में जो नए राष्ट्रपति है वो अपना राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा पद त्याग, मृत्यु या और कोई कारण होने की वजह से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं तो 6 माह के भीतर दूसरा चुनाव राष्ट्रपति के कराना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल 5 वर्ष का ही है और उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी चुनाव कराना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त पद त्याग या मृत्यु होने पर उनका पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। इसके बाद में 5वां नंबर अपन देखें तो यह है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब इसके अंदर जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, जो राष्ट्रपति को हटाने की एक विधि है। इसके अंदर भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के लिए लगाया जा सकता है। संविधान के ऊपर अगर राष्ट्रपति के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अब वो किस प्रकार से लगाई जाती है महाभियोग प्रक्रिया, यह है कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद के किसी भी सदस्य द्वारा यह आरोप एक संकल्प के रूप में, हमारा संविधान का अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग प्रक्रिया के लिए कहा गया है कि हमारी जो संसद है
उसका कोई भी सदन यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। हमारी जो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदनों में से किसी भी एक के द्वारा यह आरोप एक संकल्प के रूप में लगाया जाता है, जिस पर कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हो, मतलब महाभियोग लगाने के लिए कोई से एक सदन के एक चौथाई सदस्य इस चीज के लिए सहमत हो कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया लाई जाए, तो तब जाकर ही एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने पर ही महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाए तथा यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है और यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। दो तिहाई सदस्य उसके लिए संतुष्ट है तब जाकर यह प्रक्रिया होती है और राष्ट्रपति को यह 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच स्वयं करेगा अथवा किसी न्यायालय से करवाएगा। जिस सदन के द्वारा महाभियोग का एक संकल्प लाया गया है उसके अलावा जो दूसरा सदन है, दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच स्वयं करेगा अथवा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण से उसकी जांच करवाएगा। अभी इस जांच में जब दूसरा सदन उसकी जांच करता है तो इस जांच में राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं, राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित भी हो सकते हैं अथवा अपना कोई प्रतिनिधि भी वहां पर भेज सकते हैं। तो दूसरे सदन के द्वारा जो जांच है उसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकते हैं। जांच के पश्चात यदि दूसरा सदन भी दो तिहाई बहुमत से लगाए गए महाभियोग संकल्प को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी समय पद छोड़ना पड़ेगा। फिर पहले सदन ने तो मान लो ये संकल्प लिया महाभियोग लाने का और दूसरा सदन उसकी जांच करता है और जांच करने के पश्चात यदि वो दूसरा सदन भी दो तिहाई सदस्यों से बहुमत लगाए गए संकल्प को पारित कर देता है तो महाभियोग सफल हो गया और राष्ट्रपति को उसी समय पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमारे भारत देश में जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर वर्तमान समय तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाई गई है। महाभियोग प्रक्रिया अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक नहीं लाई गई है, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। धन्यवाद।